ये साल हमारी हिम्मत में कुछ नए सितारे टांकेगा। अगर हम अपने अंदर दुख की बदली मिटा दें तो मुमकिन है ये आने वाला साल एक नए सूरज के साथ हम सब में झांकेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। जी हाँ, साल 2021 हर किसी के मन में चाहत है कि आखिर ये नया साल हमारे लिए कैसा होगा, क्योंकि साल 2020 ने हमें जितना परेशान किया है और इस पूरी दुनिया को जो दिखाने पर मजबूर कर दिया, शायद किसी ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। तो ऐसे में ये नया आने वाला साल कोरोना के नज़रिए से कैसा रहेगा आपकी और हमारी सेहत के लिए, तो आइए जानते हैं कि आखिर हर राशि के लिए कोरोना आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा या सुधारेगा। और इन्हीं सब के बारे में जानकारी देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एंजल एंड टैरो कार्ड रीडर स्वाति। तो स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुक्रिया। तो स्वाति, क्या कह रहे हैं आपके कार्ड्स, कैसा रहने वाला है? अगर मैं सभी राशियों का इन टोटैलिटी पूछूं तो ये आने वाला साल खुशखबरी ला रहा है, कुछ राहत दे रहा है, कोरोना को भगा रहा है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल पूजा जी, जैसे आपने बोला कि साल 2020 हमारे लिए बहुत दुष्प्रभाव वाला रहा है कोरोना वायरस के अगर हम बात करें तो, बट वो समय अब बीत गया है, साल 2021 आ रहा है और अब ये हम सभी के लिए खुशी की बात है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए, क्योंकि मंगलमय समय शुरू हो गया है और सभी राशियों के लिए मेरे कार्ड्स जनरली यही बता रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव समय आने वाला है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि, बिना इंतजार कराए शुरुआत कीजिए फिर। बिल्कुल, तो मेरे पास यहाँ पे कार्ड्स हैं मेष राशि के लिए। तो मेरे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि मेष राशि वालों ने काफ़ी अपनी बहादुरी से, काफ़ी अपनी करेज से, बहुत स्ट्रेंथ रखते हुए अपने किसी हेल्थ इशू को पीछे छोड़ा है साल 2020 में, अगर उनको कोई रहा है। और डेफिनेटली एंजल्स का, उनके गाइड्स का उनका साथ है, आर्कएंजल एरियल उनके साथ हैं और काफ़ी उनको हिम्मत, उन्होंने अपनी हिम्मत रखी है, मेष राशि वालों ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी है साल 2020 में। और यही बताया जा रहा है कि जो थोड़ा बहुत अगर उनको हेल्थ इशू रहा भी है और कोई परेशानी अगर रही भी है तो घबराइए नहीं, जैसे हिम्मत से सामना किया उसी हिम्मत से बस आगे बढ़ते रहिए साल 2021 में। बिल्कुल अपने दिल और दिमाग को बैलेंस में रखते हुए, हील करते हुए, बिल्कुल घबराइए नहीं और आगे बढ़ते रहिए। और रेमेडी मेष राशि वालों के लिए यही रहेगी कि उनको अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, फोकस कहीं और नहीं जाना चाहिए। जिस कॉन्फिडेंस से वो साल 2020 उन्होंने निकाला है, उसी कॉन्फिडेंस से तो साल 2021 में उनको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके, अपना कोई एक्सरसाइज रूटीन बना के, जिमिंग करके, कुछ भी जो उनकी हेल्थ पे असर अच्छा करे वो करें, और यही उनकी रेमेडी है। और साल 2021 में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत पॉजिटिव राशि, हिम्मत रखेंगे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 2021 बहुत अच्छे से। बिल्कुल।